जनरल वीके सिंह को सरकार से हटाने की मांग हो रही है। मांग इसलिए क्योंकि सरकार ने ही हलफनामा दिया है कि जनरल सिंह ने जनरल सुहाग के खिलाफ जो एक्शन लिया था वो गलत था और जनरल सुहाग ही अगले सेनाध्यक्ष होंगे। सरकार ने खुद ने लिखित रूप से हलफनामे में जब ये अविश्वास मत प्रकट किया है, लिखा है, स्पष्ट लिखा है, तो और कोई विकल्प नहीं होता। ये मंत्री महोदय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं हो सकते। अगर थोड़ी बहुत भी दयानतदारी बची होगी तो जनरल वीके सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब ये लोग विपक्ष में थे तो कुछ और भाषा बोलते थे, जब ये सत्ता में आ गए हैं, उनको पार्टी में ले लिया, अब कुछ और भाषा बोल रहे हैं। संसद के बाहर तो विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह विरोधियों के निशाने पर रहे ही, संसद में भी वीके सिंह की बर्खास्तगी की मांग उठ गई। द लैंग्वेज यूज्ड बाय हिम इन अ ट्वीट दिस मॉर्निंग व्हिच आई थिंक इज हाईली डेरोगेटरी एंड आई होप दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग नोट ऑफ दिस एंड दैट ही विल बी डिसमिस्ड फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वीके सिंह जब सेना प्रमुख थे तब उन्होंने साल 2012 में एक मामले को लेकर सुहाग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका प्रमोशन रोक दिया था। बाद में सुहाग का प्रमोशन भी हुआ और अब वो सेना प्रमुख भी बनने वाले हैं। As far as the government is concerned, the appointment is final and the government fully stands by. साल 2011 में असम के जोरहट में सेना के जवानों ने कार्रवाई की थी, सुहाग उस कमांड के प्रमुख थे। मई 2012 में इस कार्रवाई को लेकर तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने सुहाग के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की और उनका प्रमोशन रोक दिया। वीके सिंह जब रिटायर हो गए तो जून 2012 में सेना प्रमुख विक्रम सिंह ने सुहाग पर से बैन हटाया और उनका प्रमोशन कर दिया। इसके बाद दिसंबर 2013 में लेफ्टिनेंट जनरल रवि दस्ताने विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां 4 जून को रक्षा मंत्रालय ने हलफनामा देकर कहा कि सुहाग पर प्रतिबंध गलत था। सरकार भले ही सुहाग के साथ खड़ी है लेकिन जनरल वीके सिंह अब भी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, अगर कोई यूनिट मासूमों को मारने और डकैती डालने जैसे काम करती है और उनका प्रमुख उन्हें बचाने की कोशिश करता है तो उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, क्या अपराधियों को छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस के नेता अब वीके सिंह के इसी ट्वीट को मुद्दा बनाकर हमले में जुट गए हैं। आपको बता दें कि ट्विटर की वजह से ही मनमोहन सिंह के जमाने में विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर की कुर्सी चली गई थी। और हमारे साथ इस पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। डॉक्टर स्वामी, अगले सेना प्रमुख पर इल्जाम लगाने वाला कोई मंत्री मंत्रिमंडल में कैसे रह सकता है? इल्जाम क्या लगाया, वो तो कमांडर इन चीफ थे, उनको सारी बातें पता है और उनकी जिम्मेदारी है कि देश को अवगत कराना। ये जो उन्होंने कहा है ये तो उन्होंने छानबीन करने के बाद ही कहा होगा। और उनके कहने वो उन्होंने ट्विटर में कहा तो इसके माने ये नहीं कि ये सार्वजनिक है। सरकार कह रही है कि अपॉइंटमेंट ठीक है, सरकार ने तो कोई सफाई नहीं दी कि उन्होंने कहा नहीं अपॉइंटमेंट ठीक नहीं है कहा उन्होंने, ये सरकार ने ये कहा है कि हम इसको विवाद में नहीं डालने चाहते हैं, इसीलिए जो पुरानी सरकार ने बनाई उसको हम जारी रखेंगे और उसको विवादास्पद नहीं बनाएंगे, इतना ही कहा था, उनको सफाई तो कुछ नहीं दिया है। नहीं, अब मैं ये समझता हूँ कि जब सिविलियन कंट्रोल होती है मिलिट्री की तो हम लोगों को तो अधिकार है कि जो कमांडर इन चीफ होगा अगला कमांडर इन चीफ वो किसी की चमचा ना बने, किसी के एहसान पर ना बने और उसका पूरी जो भूमिका है वो बिल्कुल देशभक्त का होना चाहिए। ये तो हम लोग सिविलियन जो जीवन में सरकार ने जो एफिडेविट दिया है क्षेत्र में है, एफिडेविट जो दिया है वो वीके सिंह के बातों के खिलाफ है, सरकार ने उस एफिडेविट को माना है। आज अरुण जेटली ने खुद कहा कि नियुक्ति ठीक है। नहीं, नियुक्ति ठीक है ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि हम इसको छेड़ेंगे नहीं। और जहाँ तक एफिडेविट है ये कांग्रेस सरकार ने बनाई थी और हमारी गलती थी कि इसको हमने पेश किया। अब हो जाता कभी, कांग्रेस सरकार ने भी राम को मिथ्या कहा था और राम सेतु को काल्पनिक कहा था, आप कह रहे हैं कि वो एफिडेविट फाइल किया था तो उस समय किसी ने गलती हुई है, एफिडेविट फाइल हुआ है किसी मंत्री का, मैं समझता हूँ इससे एफिडेविट फाइल नहीं होना चाहिए था। दूसरा सवाल ये कि सरकारी एफिडेविट के खिलाफ फिर किसी मंत्री को ट्वीट करना चाहिए क्या? चलिए एफिडेविट फाइल हो गया लेकिन एक मंत्री ट्वीट कर रहा है उस एफिडेविट के खिलाफ, वो उसमें क्या है? वो जो अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं वो तो ट्विटर में जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको तो बताने की उनकी अधिकार है,
इसमें कोई ट्विटर, कोई ऑल इंडिया रेडियो नहीं है और दूरदर्शन नहीं है, एबीपी नहीं है, लेकिन वो न्यूज वो उन्होंने सार्वजनिक कहा, वो मंत्री है, वो मंत्री है। आपने उसको सार्वजनिक किया है तो क्या है, मंत्री को राय नहीं रख सकते सरकार के हलफनामे के खिलाफ? वो भी मंत्रालय के बारे या अपने सरकार के, ये कोई सरकार के हलफनामा मैं उसको इतनी मर्यादा नहीं दूंगा। ये गलती से फाइल हो गई है और इसको वापस लेना चाहिए, आपका हलफनामा वापस लेना चाहिए, दुरुस्त करके उसको फाइल करना चाहिए। तो वही मेरा तीसरा सवाल है, आप हलफनामे से सहमत हैं, सरकार का हलफनामा सहमत हैं आप? मैं सरकार ने जो फाइल किया जिसमें वीके सिंह के बारे अनाप शनाप बातें कही है, ये हमारी सरकार को गौरव नहीं देती है, हमारी सरकार के लिए प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। इसको वापस करनी चाहिए और दुरुस्त करके फिर फाइल करनी चाहिए कि हम इस जो सरकार ने, जो पिछली सरकार ने नियुक्ति की है उसको हम जारी रख रहे हैं, इतना ही कहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल कि ये जो अगर हलफनामा आप कह रहे हैं कि गलती से फाइल हो गया है, इसको दुरुस्त करके फाइल करना चाहिए, इसमें जो बातें वीके सिंह के खिलाफ लिखी गई हैं ये नहीं होनी चाहिए, क्या अगर कोई फुल टाइम रक्षा मंत्री होता तो ये नहीं होता? ये मैं नहीं जानता, ये तो प्रधानमंत्री निर्णय करनी चाहिए, क्योंकि उसी का अधिकार है कौन कितना मंत्री के ऊपर कितना बोझा डाला जाना चाहिए। नहीं, लेकिन एफिडेविट अगर ये फाइल हो गया है और सरकार को पता नहीं चला तो ये इल्जाम तो आप पिछली सरकार पर लगाते थे, अभी आपकी सरकार बनी आपको भी पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है? भाई देखो, हमारे 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 मुंह पर शब्द, मुंह में ऐसे शब्द मत निकाली जो मैंने कहा नहीं। मैंने ये कहा था कि एफिडेविट जो फाइल होते हैं ये क्लार्क फाइल करता है कोर्ट में, ये पहले से तय था, ये पहले से तैयार था और उसको क्लर्क को किसने कहा ये पता करना चाहिए, किसने कहा कि जाकर फाइल करो इसी ड्राफ्ट को, किसी को दिखाए नहीं, कोई अटॉर्नी जनरल नहीं, कोई इसमें डिफेंस मिनिस्टर की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, वो तो उसने दे, इसमें रक्षा मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तो इसमें मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने इंक्वायरी मांगी है, आज की अखबार में आई है कि अरुण जेटली ने इस पर इंक्वायरी के लिए मांग की है कि ये एफिडेविट कैसा फाइल हुआ, ये उन्होंने खुद पूछा है। लेकिन वो एफिडेविट के साथ खड़े हैं आज इंडियन एक्सप्रेस में, साथ खड़े हैं है, वो एफिडेविट के साथ खड़े हैं संसद में। देख ये आप तो ऐसे हैं जैसे जो निष्कर्ष निकाले कहाँ साथ खड़े हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट के साथ खड़े हैं, एफिडेविट के साथ नहीं खड़े हैं। ये बार बार क्यों कहते हैं एफिडेविट के साथ खड़े हैं? आखिरी सवाल मेरा ये डॉक्टर स्वामी, क्या जनरल वीके सिंह अब भी अपने डेट ऑफ बर्थ कंट्रोवर्सी, उस जन्मतिथि विवाद से उभरे नहीं हैं? अभी तक वो उनके दिमाग में कौंध रहा है जो बार बार वो ये बातें निकाल के आ रहे हैं? वो झूठा कंट्रोवर्सी था, कांग्रेस ने जानबूझकर की थी उनका अवधि को कम करने के लिए, और उसका जो देश भर में पता होना था वो गाजियाबाद के क्षेत्रों ने में जो जनता थी उसने उनको 5,70,000 वोट से जिता करके बता दिया है कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे। लेकिन अब उनको तो छोड़ देना चाहिए ना इस पूरे मामले को, अब वो एक मंत्री हो चुके हैं, अगले सेना प्रमुख पर ये इस तरह की टिप्पणी क्या उनको करनी चाहिए? हाँ, पत्रकार को मर्यादा सिखाने के लिए जरूरत नहीं है, वो मंत्री होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व खत्म नहीं होता है, वो जो ट्विटर में अपने लोगों से, अपने फॉलोअर्स से कहते हैं उसको आप उछालिए मत, बस इतना ही कह सकता हूँ। लेकिन सरकार ये कह रही है कि अगले सेना प्रमुख सुहाग साहब ही होंगे, जनरल सुहाग ही होंगे और मंत्री वीके सिंह बने रहेंगे, एक मंत्री एक जनरल, बस इतना ही कह रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती आपको? यही तो है, सरकार इससे ज्यादा तो नहीं कह रही है, क्या दिक्कत है? सरकार ने कह दिया है कि हम विवाद में नहीं डालने चाहते, ये पारस्परिक एक दलीय राज्य नीति में हम इसको फंसाने नहीं चाहते, हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है आपने अपॉइंट किया, हम इसको जारी करेंगे, इतना ही कहा है, उनको कोई वो बोई देवता है सुहाग ऐसे तो नहीं कहा है। और जो जनरल सिंह ने कहा है वो अपने मंत्रालय के संबंध में नहीं है, अपनी सरकार के कामकाज के संबंध में नहीं है, वो अपनी राय जो उसके नीचे काम किया उसके बारे व्यक्त कर रहे हैं, ये हमें जानने के अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वामी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, साफ कहना उनका कि ये एफिडेविट गलत है, इसको दुरुस्त करना चाहिए।